हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकित वर्मा और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कैम्प्स एंड फॉलोअर्स। और ये टॉपिक थ्योरी ऑफ मशीन्स सब्जेक्ट के अंडर आता है। ये लेक्चर 1 है, तो स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर। सबसे पहले पढ़ते हैं कैम के बारे में। कैम कैम क्या एक मेंबर है, कह सकते हैं मैकेनिकल मेंबर है, जिसका काम क्या है, डिजायर्ड मोशन देना फॉलोअर को। किसको? यानी कि हमारे पास दो चीजें आ गई, कैम एक आ गया फॉलोअर। फॉलोअर पता लग रहा है, कैम का फॉलोअर है ये। फॉलोअर किसका है? कैम का। कैम के अकॉर्डिंग ये इसकी जो कैम का मोशन को फॉलो करेगा, उसको क्या बोलेंगे? फॉलोअर कहेंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, डिजायर्ड मोशन। और थ्योरी ऑफ मशीन स्टार्ट अगर हम पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ मशीन को, तो मैं आपको बताऊं, हमें यहाँ डिजायर्ड मोशन चाहिए हमेशा। ये नहीं कि हम इसमें कुछ भी अंदाजे वाला काम, कुछ नहीं चलेगा। कुछ भी आपको अंदाजा नहीं लगाना है, अगर आपको डिजायर्ड मोशन देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। या कंस्ट्रेंड मोशन, पहले चैप्टर में हम सब पढ़ते ही हैं थ्योरी ऑफ मशीन के। तो डिजायर्ड मोशन देना किसको? फॉलोअर को। और इनके बीच में क्या होगा? डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होगा। ये नहीं हवा में बात नहीं होगी, ये हवा में मोशन नहीं होगा, कैसा होगा? डायरेक्ट कांटेक्ट होगा। तो ये कैम और फॉलोअर का फंक्शन होगा। तो कैम का मतलब आपको समझ आ गया होगा, यही हम सब इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि कितने टाइप के कैम्स हैं, कैसे कैसे मोशंस होते हैं। अगर हम कैम की बात करें, कैम जो है हमारा रोटेट भी कर सकता है और रेसिप्रोकेट भी कर सकता है। कैम जो है हमारा रोटेट भी कर सकता है या रेसिप्रोकेट भी कर सकता है। उसके हिसाब से जो फॉलोअर होगा, रोटेट भी कर सकता है, रेसिप्रोकेट भी कर सकता है या ऑसिलेट भी कर सकता है। सब में डिफरेंस है, रोटेशन, रेसिप्रोकेट और ऑसिलेशंस। तो ये तीनों टाइप के मोशंस फॉलोअर कर सकता है, और ये सब जगह इंपॉर्टेंट है। ये जो कैम्स एंड फॉलोअर का मैकेनिज्म है, हर एक मैकेनिज्म में काम आता है। मेनली सभी एग्जाम जो हमारे मैकेनिज्म्स हैं, जैसे कि इंटरनल कंबशन इंजन में, मशीन टूल्स में, जिग्स में और डिफरेंट मशीन्स में, ये कैम्स एंड फॉलोअर का मैकेनिज्म यूज होता है। क्योंकि हमको एक डिजायर्ड मोशन चाहिए, और किसके मूवमेंट से? कैम के मूवमेंट से। तो फॉलोअर हमारा क्या करेगा? डिजायर्ड मोशन देगा। तो हमारा जो ड्राइवर हो गया, वो क्या हो गया? कैम हो गया। और ड्रिवन हमारा फॉलोअर हो गया। ओके? और ये पूरा एक अरेंजमेंट, एक सिस्टम से फिक्स होगा। ओके? तो अगर हम बेसिक सा डायग्राम बनाए फॉलोअर का, इस तरह से फॉलोअर का हमने डायग्राम बनाया, और ये वेज शेप की हमने क्या बना दी? कैम बना दी है। तो कैम हमारी रेसिप्रोकेट करेगी, और ये जो हमारा फॉलोअर है वो भी अप एंड डाउन रेसिप्रोकेट करेगा। और ये किससे अटैच है? एक मूवमेंट यहां से ऐसे अटैच है। ओके? और ये ऐसे भी नहीं होगा, यहां को भी हमको एक सपोर्ट देनी पड़ेगी। तो ये कौन सा हो गया? ये क्या दे रहे हैं हम इसको? सपोर्ट दे रहे हैं। जो इस सपोर्ट देते हैं हम, उसको हम बोलते हैं फ्रेम। ये है फॉलोअर, सी से कैम और एफ से फ्रेम। ठीक है? और एफ से फॉलोअर और फ्रेम को एफ आर से डिनोट कर देते हैं। तो यहां पर तीन सिस्टम हमारे हो गए। तो इसी तरीके से अब हम स्टार्ट करते हैं मेन हमारा चैप्टर। ये तो हमारा बेसिक सा मैंने आपको बता दिया कैम्स एंड फॉलोअर्स में होता क्या है। अब टाइप्स ऑफ कैम्स पढ़ते हैं। कैम्स भी बहुत सारी हैं, बहुत टाइप्स की कैम्स हैं। हम जल्दी से देखते हैं, उनके डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम से मैं यहां पर आपको समझाऊंगा, उसी में आपको मेन मेन पॉइंट लिखते रहना है। ओके? पहली जो अकॉर्डिंग टू शेप, हम किसकी बात कर रहे हैं? कैम्स की बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू शेप कैम्स की, कैम की शेप आपकी फ्लैट भी हो सकती है, वेज भी हो सकती है। ओके?
डिस्क टाइप भी हो सकती है, अलग अलग टाइप की आपकी हो सकती है। अब देखो मैं डायग्राम बनाऊंगा, उससे आपको बहुत क्लैरिटी होगी कि कैसे कैम्स की शेप हो सकती है अकॉर्डिंग टू शेप। देखिए वेज शेप मींस यहां पर हमारा ये फॉलोअर, अभी हम फॉलोअर की बात नहीं कर रहे, हम फॉलोअर की बात भी करेंगे इन्हीं डायग्राम को मैं, क्योंकि टाइम ना वेस्ट हो, इन्हीं डायग्राम को मैं बताऊंगा और इसमें फॉलोअर्स का बता दूंगा। ये हमारा सपोर्ट है, ये जो फॉलोअर को हमारा सपोर्ट करेगा इसको, ओके देखो ये रेसिप्रोकेट करेगा और ये अप एंड डाउन ये भी रेसिप्रोकेट करेगा फॉलोअर हमारा, और ये क्या है कैम है, ये क्या है वेज शेप्ड है, वेज शेप्ड ओके। और हमारा रेडियल कैम्स भी हो सकती है, रेडियल कैम्स जैसे अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं आपको इस तरीके से भी हो सकती है रेडियल कैम, इसका कोई यहां से इस एक्सिस के अबाउट ये क्या करेगी रोटेट करेगी, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है ओके, ये लाइन ऑफ एक्शन है। यहां पर हमने क्या लगाया, एक फॉलोअर लगा दिया, फॉलोअर लगा दिया ओके, और ये से अटैच्ड है स्प्रिंग से, और ये हमने इसको सपोर्ट भी दे दी है ओके। तो ये मोशन ऐसे होगा और कैम इस बार क्या करेगी रोटेट करेगी, क्या करेगी रोटेट करेगी, ये क्या है कैम है और ये क्या है फॉलोअर है। तो ये कौन सा हो गया हमारा रेडियल कैम। एक एक टाइप के बना के देख लेते हैं और याद रखेंगे कि कौन कौन सा, हमें आइडिया एक्चुअली में लेना है यहां से कि अलग अलग टाइप की कैम्स कैसी है। एक हमारी स्पाइरल कैम्स भी होती है, स्पाइरल कैम्स में क्या होगा एक्चुअली मैं आपसे ना ये मेनली इंटरव्यू में जरूर बना के पूछ सकते हैं कि स्पाइरल कैम कैसे बनेगी, बना के दिखाओ, आइडिया आपको लेना है ऐसे। वीडियो लेक्चर देखो थोड़ा, मेन मेन पॉइंट आप इसके नोट करो और जल्दी से आगे बढ़ो, क्योंकि थ्योरी बहुत है, बहुत वाइड सब्जेक्ट है ये, और ये टॉपिक कैम्स एंड फॉलोअर्स में बहुत पर्टिकुलर ही चीजें पढ़नी है, जो हम यूनिवर्सिटीज वगैरह में पढ़ रहे थे उसका उससे बहुत अलग पढ़ेंगे हम इस चीज को, मेनली फॉर्मूलेज और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इंटरव्यू वगैरह के लिए भी हम देखेंगे। ये जो मैं मेन पॉइंट बता रहा हूँ एक आधे नंबर में क्वेश्चन इसमें भी बन सकता है। चलो देखते हैं स्पाइरल कैम्स में क्या होगा, जो कैम होगी ना, जो कैम का मूवमेंट होगा उसमें ग्रूव्स बनाए होंगे इस तरीके से, इस तरीके से कोई भी शेप बना लेते हैं इस तरह से ना, ग्रूव बना होगा और इसमें हमने इसको ऐसे अटैच किया होगा ओके। तो ये क्या है हमारी, यानी के कैम है, इससे कैम से क्या अटैच होगा हमारा फॉलोअर अटैच होगा और ये ऐसे अटैच्ड है, ये क्या है फॉलोअर है, ये क्या है फॉलोअर है। तो ये देखो ये चीज इसमें अटैच होएगी और ये फॉलोअर भी डिजायर्ड मोशन हमारा करेगा, क्योंकि स्पाइरल अब कितना हमें अप जाना है कितना डाउन जाना है ये कैम के मूवमेंट से पता लगेगा ठीक है। तो ये जो मूवमेंट है ये इस तरीके से मूवमेंट होगी, इसके अंदर ये इंसर्ट होगा और ये अप एंड डाउन मोशन करेगा, कैसे अप एंड डाउन मोशन करेगा, और ये इस तरह से यहाँ फिक्स नहीं है, ये इस तरीके से होगा, क्योंकि अगर फिक्स हो गया तो मूवमेंट नहीं करेगा ना, तो ये अप एंड डाउन इस तरीके से मोशन करेगा। आइडिया हो गया होगा स्पाइरल कैम्स में क्या है, स्पाइरल कैम्स में बस क्या है स्पाइरल ग्रूव बनी है ओके। इसी तरीके से सिलेंड्रिकल कैम्स भी होती है, सिलेंड्रिकल कैम्स में क्या होगा आपके ग्रूव्स जो बनेंगे, जो आपके ग्रूव बनेगा इसमें भी एक ग्रूव बनेगा लेकिन उसके आउटर सर्कमफेरेंस पे बनेगा। देखो कैसे डायग्राम बनाते हैं और खुद आपको क्लैरिटी हो जाएगी कैसे इसका मूवमेंट होगा। इसमें देखो फॉलोवर का मूवमेंट आपका ऑसिलेट भी कर सकता है और रेसिप्रोकेट भी कर सकता है। तो देखो अब हम बनाते हैं नेक्स्ट टाइप कैम, इसको डैम ड्रम कैम्स भी बोलते हैं, ड्रम कैम्स या सिलेंड्रिकल कैम्स ओके। देखो इसके सरफेस के ऊपर हम क्या करेंगे ग्रूव बनाएंगे, ट्राई करते हैं इसको बनाने की, इस तरीके से इसको बना लेते हैं।
और यहां पर हमने यहां पर एक ये फॉलोअर अटैच कर दिया। फॉलोअर अटैच क्या, ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा ऐसे। जब ये कैम इस ग्रूव में मूव करेगी, अब ये और ये कैम कैसे होगी, ये ड्रम टाइप है ये, ओके। और ये क्या करेगी, इस तरह से रोटेट करेगी, रोटेट करेगी। और ये कैम क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। ये फॉलोअर क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, ओके। देखो इससे शेप बनाने से और ये डायग्राम बनाने से थ्योरी लिखने की मेरे को मुझे लगता नहीं जरूरत है, आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये कैम रोटेट कर रही है और ये इसके अंदर क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। और ये जो ये पार्ट है इसके अंदर ग्रूव के अंदर मूव करेगा कैम के अंदर फॉलोअर का। और ये जब ऐसे मूव करेगा तो ये कैम इधर जाएगी, ये फॉलोअर इधर जाएगा और इधर जाएगा। तो एक तरह से क्या कह सकते हैं, कैम एंड फॉलोअर का क्या है, डिजायर्ड मोशन हमें मिल रहा है, डिजायर्ड ऑसिलेटरी मोशन मिल रहा है। डिजायर्ड बोल दो या कंस्ट्रेंड बोल दो, एक ही बात है, ओके। तो ये बुक्स में, सब बुक्स में ऐसे गिवन है, हमें बस ये देखना है कि मैं लेक्चर इसलिए बना रहा हूँ इस पे, और ये मेनली ये टॉपिक आप लग रहा होगा थ्योरी पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं इसमें इतना आपको बता रहा हूँ जितना इम्पोर्टेंट है बस, क्योंकि हमको इसका बस आइडिया लेना है। तभी अगर आपको जरूरत पड़े तो बुक आप उठा सकते हैं, बुक से पढ़ें, बुक में सब गिवन है, ओके। अच्छा, एक हमारे होते हैं जो एग्जाम में भी एक बार क्वेश्चन आया, व्हाट इज ग्लूबर्डेल, ग्लूबर्डेल, ग्लूबर्डेल कैम्स। देखो इसका क्या मतलब है, इसमें क्या है, आपके दो शेप हो सकते हैं, कॉन्वेक्स या कॉनकेव, दो शेप की आपकी कैम्स हो सकती हैं जिसके अंदर ग्रूव्स होंगी। अभी तो सिलेंड्रिकल शेप ही जस्ट हमने अभी पढ़ा, इसमें क्या होगा, दो शेप हो सकती हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। और इसमें क्या है, इसके सर्कमफेरेंस पे हमने एक ग्रूव बनाया, ठीक है, जिसमें क्या होगा, वो जो फॉलोअर का एंड पार्ट है उसके अंदर मूव करेगा, उससे फॉलोअर क्या करेगा, ऑसिलेटरी मोशन हमें देगा। देखो कैसे, मैं एक कॉन्वेक्स शेप वाली बना देता हूं, आप इसी तरह से कॉनकेव की भी बना सकते हैं। कॉन्वेक्स शेप कैसे होगी, इस तरीके से होगी। सबसे पहले तो मेन ये बना लो, अगर आपको डायग्राम बनाना भी सीखना है तो ऐसे बनाओ सबसे पहले, इंटरव्यू में बस यही चीजें देखी जाती हैं कि आप कितने स्पीडली आप चीजों को देख रहे हैं। इसमें ये नहीं देख रहा कि इसने यहां ये नहीं बनाया और ये इसको शेप थोड़ी ऐसी, उसको देख रहा कि स्पीड से बना रहा कितना उसको आता है, उससे आइडिया हो जाता है। तो देखिए इसमें हम जैसे हमने पिछले केस में बनाया था, इसमें भी हम इस शेप की ग्रूव बना रहे, कॉन्टर भी बोलते हैं उसको। इससे क्या होगा, अब हमने क्या करा, इसमें एक ये फॉलोअर का इस तरह से, और इसके बैक साइड पे क्या है, ये फॉलोअर है। फॉलोअर का मूवमेंट अब क्या होगा, ऑसिलेट करेगा ऐसे। जब ये ऐसे ऐसे इसके अंदर फॉलोअर, ये और ये कैम क्या करेगी, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी। तो फॉलोअर, तो जब ये रोटेट करेगी, फॉलोअर पहले इधर है, फिर इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, फिर इधर भी जाएगा, फिर वापिस भी आएगा इसमें, तो ऑसिलेट करेगा फॉलोअर, क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। इसी तरीके से आप इस शेप की भी सिलेंड्रिकल शेप में बना सकते हैं, ठीक है, उसमें मूवमेंट क्या होगा, थोड़ा शॉर्ट होगा, ओके। तो इसमें यहां पर आप फॉलोअर का इस तरह से मूवमेंट लगा सकते हैं, ओके। तो ये आप ऐसे कर सकते हैं, और ये मूवमेंट क्या होगा, तो ये कौन सी होगी, कॉनकेव शेप की होगी। क्लियर है, आइडिया हो गया होगा कैम्स में कैसे बन रहा है ये, कैसे शेप, कैसे मूवमेंट से कैसे हमें डिजायर्ड मोशन मिल रहा है। मेनली ऑसिलेटरी मोशन ही हम देख रहे हैं, रेसिप्रोकेटिंग भी हो सकता है, रोटेटरी भी हो सकता है, ओके। तो इस तरीके से हमारा डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स हो सकता है। अब ये जो फॉलोअर है, फॉलोअर का जो मूवमेंट है, इसके हिसाब से भी कैम्स डिजाइंड होती हैं,
या कैंप्स बनती हैं। तो फॉलोअर के मूवमेंट्स में कैसे है, फॉलोअर का मूवमेंट कैसे हो सकता है, मैं आपको बनाकर दिखाता हूं और आपको आइडिया देता हूं कैसे कैसे फॉलोअर का मूवमेंट के हिसाब से भी कैंप्स क्लासिफाई हो सकती हैं। देखो फॉलोअर के कैसे, जैसे कि फॉलोअर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फॉलोअर डिस्प्लेसमेंट, और यहां क्या है कैम एंगल, कैम का एंगल। ओके कैम का एंगल मतलब कितने एंगल पे वो स्टार्ट हो, पहले स्टार्टिंग पॉइंट है इसका ये, फिर वो धीरे धीरे बढ़ेगा और पूरा एक चक्कर लगाने में 360 डिग्री होंगे। अब उस फॉलोअर कैसे मूव करेगा, देखो बहुत अच्छा डायग्राम है, इससे आपको बहुत क्लैरिटी आएगी समझने में कंसेप्ट। देखिए अगर आपका कैम धीरे धीरे मूव कर रहा है, मूव कर, फॉलोअर भी आपका क्या कर रहा है, राइज कर रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या है, फॉलोअर आपका राइज कर रहा है, और एक एंगल के बाद आके कोई भी एंगल हो सकता है, वो क्या हो सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है, कोई भी पार्टी, उसके बाद वो क्या करे, रिटर्न कर जाए, वो क्या कर जाए, रिटर्न कर जाए, ये पूरा एंगल 360 और यहां 0 डिग्री, क्लियर है। तो इस तरीके से के फॉलोअर मूवमेंट को भी हम एक तरह से इसको क्या बोल सकते हैं, राइज राइज रिटर्न, और दोबारा से अगले चक्कर में फिर से राइज, तो इसको बोलेंगे राइज रिटर्न राइज टाइप ऑफ कैम। ओके एक एक अलग तरीके से इस तरीके से भी हो सकती है कि पहले कुछ ड्वेल टाइम दिया, ड्वेल टाइम मतलब आइडल टाइम भी बोल सकते हैं अगर आप ऐसे सिंपल भाषा में समझे, ड्वेल टाइम मतलब कैम कैम का मूवमेंट हुआ लेकिन फॉलोअर का कोई मूवमेंट नहीं हुआ, उस टाइम पे वो स्टेशनरी है कुछ टाइम के लिए, फिर उसके बाद फिर थोड़ा और कैम का मूवमेंट हुआ तो राइज होता है, फिर ड्वेल होता है और फिर रिटर्न होता है। तो ये किस टाइप का मूवमेंट है हमारा, ड्वेल राइज ड्वेल, क्लियर है, फिर रिटर्न, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा अगले चक्कर में फिर ड्वेल होगा। तो ये कौन सा चक्कर है, ये कौन सा कैम हमने क्लासिफाई करी, ड्वेल, ये क्या है, राइज ड्वेल फिर रिटर्न, फिर अगले में फिर क्या होगा, फिर थोड़ा सा ड्वेल होगा, तो यहां तक एक ये कंप्लीट हुआ हमारा, ठीक है। और भी इसमें ऐसा हो सकता है कि आपको तो क्लासिफिकेशन सीखनी है ना, तो ये कुछ ड्वेल हुआ फिर राइज करा और फिर रिटर्न करा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ड्वेल राइज रिटर्न, क्या होगा, ड्वेल राइज फिर ड्वेल राइज, फिर यहां पर क्या हुआ, रिटर्न हुआ और उसके बाद फिर से क्या होगा, ड्वेल होगा। तो यहां तक हमने क्या लेना है इसकी, इस यहां तक क्लासिफिकेशन करनी है इसकी, यहां तक अगले पॉइंट तक जो हो रहा है। ओके तो ये इस तरीके से हम इसके फॉलोअर के मूवमेंट को भी, फॉलोअर के मूवमेंट के अकॉर्डिंग भी कैंप्स को हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। तो एक ये भी तरीका से था फॉलोअर्स का। अगर हम बात करें फॉलोअर्स, जैसे मैंने आपको बताया, एक तो नाइफ एज शेप बताए थे तो मैंने आपको, तो अगर हम फॉलोअर्स की शेप की बात करें, फॉलोअर्स को क्लासिफाई करें शेप के अकॉर्डिंग, शेप के अकॉर्डिंग ये जो शेप होगी ये क्या होगी, नाइफ शेप, नाइफ एज शेप्ड होगी। इसी तरीके से इसमें क्या होगा, ज्यादा वियर एंड टियर होगा क्योंकि पॉइंट शेप है, तो यहां पर क्या होगा, ज्यादा वियर एंड टियर होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको मॉडिफाई करके क्या बनाया गया, रोलर फॉलोअर बनाया गया। अगर हम ये वेज शेप्ड ही ले तो ये कौन सा है, नाइफ एज, शेप का हमारा फॉलोअर हुआ हमारा। अगर हम बात करें जो अब यहां पर ज्यादा वियर एंड टियर है, तो हमने क्या करा इसमें, फॉलोअर में रोलर फॉलोअर बना दिया इसको इस तरीके से। ओके इसको चाहे आप ऐसे भी अटैच कर सकते हैं इसके अबाउट, ओके
और यहाँ पर हम एक ये स्प्रिंग भी लगा सकते हैं, लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये जो फॉलोअर है हमारा किस तरह से मोशन करेगा, कैम अगर ऐसे मूव करेगी तो ये जो फॉलोअर है कैसे करेगा हमारा क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा ये स्प्रिंग, और उसको क्या इस टाइप का बोलेंगे हम, स्प्रिंग लोडेड, स्प्रिंग लोडेड रोलर फॉलोअर, रोलर फॉलोअर। देखो यहां पर शेप कैसी होगी, रोलर शेप की होगी। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम, जैसे यहां पर तो मैंने बताया वेयर एंड टीयर ज्यादा है, ये जो रोलर फॉलोअर है लो स्पीड पे तो ये प्योर रोलिंग मोशन देता है, जो कि हमें चाहिए प्योर रोलिंग मोशन, यहां पर ये जो रोलर मूवमेंट होगा। लेकिन हाई स्पीड पे क्या करता है, ये रोल भी करता है और स्लाइड भी करता है, यानी कि प्योर रोलिंग ये मोशन मूवमेंट हमें नहीं देता हाई स्पीड्स पे। ये चीज आपको याद रखनी है, इसमें आप साथ में नोट भी कर सकते हैं। ओके, और इसमें एक और प्रॉब्लम है, जब फॉलोअर का ज्यादा बड़ा मूवमेंट होगा और इधर से इधर इतना बड़ा मूवमेंट होगा, इतना बड़ा रेसिप्रोकेट करके कह सकते हैं, स्टीप राइज होगा, स्टीप राइज ज्यादा ऊपर चला जाएगा, तो यहां पर क्या होगा, अगर ये स्टीप राइज होगा तो ये जो कैम है हमारी, यहां पर जो फोर्स लगेगी, फोर्स लगेगी क्या लगेगी, फिर ज्यादा लगेगी फोर्स लगेगी क्या, क्योंकि आप जब ज्यादा मूवमेंट करेगी तो फोर्स भी क्या लगेगी, यहां पर फोर्सेस जो लगेंगी वो ज्यादा लगेंगी, फोर्स ज्यादा लगेंगी तो वो कैम को क्या कर सकती है, जैम कर सकती है, कैम्स को क्या कर सकती है, वो जैम करेंगी। अगर आपका रोलर फॉलोअर में अगर आपका जो राइज है वो ज्यादा है, ज्यादा है तो फिर जब ज्यादा है तो आपको क्या लगेंगी, फोर्सेस भी वहां पर क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी, वो कैम को क्या कर सकती है, जैम कर सकती है। तो इसीलिए हमने क्या करा, मशरूम शेप के फॉलोअर बनाए, मशरूम शेप, और वो भी किस तरीके से होंगे, देखो ये सेंटर है कैम का, और ये जो मूवमेंट है फॉलोवर का, अब यहां पर दो तीन चीजें यहां से इसी डायग्राम से क्लियर होगी। ये देखिए इस टाइप के मूवमेंट में क्या है, एक तो जैमिंग नहीं होगी, ये जो फोर्सेस को क्या कर देगा, रिजोल्व कर देगा, एक इधर की साइड जो फोर्स लग रहे होंगे वो इधर वाले फोर्सेस की तरफ से जो भी फोर्सेस लगेंगे वो क्या होते हैं, कैंसल आउट हो जाते हैं। वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं और वो कैसे कैंसल आउट होंगे, उसकी आप टेंशन मत लो। तो जो जैमिंग की प्रॉब्लम थी वो खत्म हुई। अब ये जो सर्कुलर शेप की बनाई तो इसमें वियर एंड टेयर भी थोड़ा सा कम है। ओके, तो ये थोड़ा सा हमारा आजकल ये कह सकते हैं कि ये अभी तक जो हमने पढ़ा वो सबसे अच्छा है, मशरूम शेप का फॉलोअर जो है हमारा। ओके, तो इस शेप के अकॉर्डिंग भी हमने फॉलोअर्स को देख लिया। और ये जो फॉलोअर है, देखो जो कैम की जो एक्सिस है और जो फॉलोअर की एक्सिस है उसमें कुछ ऑफसेट है, ई मान लेते हैं, तो इस टाइप के फॉलोअर को क्या बोलते हैं, ऑफसेट फॉलोअर। और जो अब तक हमने पढ़े थे पीछे जितने भी जो सेम ही लाइन पे थे तो वो क्या थे, रेडियल फॉलोअर्स, क्या थे, रेडियल फॉलोअर, सेम उस पे थे। क्या था, जो लाइन ऑफ मूवमेंट ऑफ फॉलोअर का था किससे पास हो रहा था, लाइन ऑफ सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ कैम के, तो सेम एक्सिस थी। ठीक है, तो हमने इस लेक्चर में बेसिक पार्ट पढ़ा है बिल्कुल, जो आपको सभी बुक्स में मिल जाएगा, लेकिन मैंने वही चीजें ट्राई की हैं कि इस जो ये 20-22 मिनट का जो हमारा लेक्चर बना है उसमें आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, बस आप लेक्चर पढ़ें और मेन मेन पॉइंट नोट करें और आपका काम खत्म हो इसमें। क्योंकि थ्योरी में बहुत हमें बहुत फिक्स पढ़ना होता है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या चीज़ नहीं है, मैं उसी हिसाब से लेक्चर प्रिपेयर कर रहा हूँ। अगले लेक्चर में जब हम इसको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, उसको आप अच्छे से और अच्छे से पढ़ें, उसको मैं एक एक पॉइंट आपको साथ साथ लिखवाता भी रहूंगा। ओके, तो इसको कोशिश करेंगे कि हम पहले थ्योरीज की कंप्लीट करें, गेट में आए हुए जितने भी क्वेश्चंस होंगे, मैं क्योंकि कम ही क्वेश्चंस आए हैं तो मैं जितने भी न्यूमेरिकल्स आए होंगे इधर उधर से उठा के मैं आपको कराऊंगा यहाँ पर, फिर ईएस में आए हुए जो जो क्वेश्चंस आएंगे वो भी कराऊंगा, सो दैट कि आपका ये टॉपिक क्लियर हो। तो लेक्चर सुनने के लिए धन्यवाद।